भरमौर में गुरुवार तड़के 3 बजे 3 भाइयों का एक मकान आग की भेंट चढ़ गया, जिससे आरंभिक तौर पर लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अग्निशमन केंद्र खड़ामुख से एक टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना भरमौर के लाहल गांव के फांगटा की है। लोगों ने आग की भनक लगते ही अग्निशमन केंद्र को सूचना दे दी थी। बताया जा रहा है कि कर्मचारी जब घटनास्थल की ओर निकले तो लाहल ढांक के पास भरमौर एनएच पर चट्टाने गिरी हुई थी, लिहाजा बड़ी गाड़ी वहां से नहीं निकल पाई, जिस पर कर्मचारी छोटी गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मकान का एक बड़ा हिस्सा आग की भेंट चढ़ चुका था। जिस वक्त आग लगी थी उस समय वहां हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के कार्य में जुटे रहे। उधर एडीएम भरमौर प्रीति पाल सिंह का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम को नुकसान का आकलन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।